बैक टू माय चैनल रूप्स लाइफ। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ हमारा वॉश बेसिन एरिया जो कि है हमारे डाइनिंग रूम में। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। हाँ जी, तो इस वक्त मैं खड़ी हूँ अपने किचन की एंट्रेंस पे और यहाँ से जो है ये सारा एरिया कुछ इस तरह से दिखाई देता है। तो सेंटर में है हमारा डाइनिंग टेबल, राइट साइड में हमारा वॉश बेसिन आ जाता है और लेफ्ट में है क्रॉकरी यूनिट। तो बिल्कुल इसके क्रॉकरी यूनिट के ऑपोजिट वॉल पे ही हमने जो है अपना ये एरिया बनाया है। और पहले एक्चुअली हम लोग प्लान कर रहे थे कि हम क्रॉकरी यूनिट के अंदर ही है ना यहाँ पर टेबल टॉप एक वॉश बेसिन लगा देंगे और वो जगह को थोड़ा हम खाली रखेंगे, वहाँ पर कुछ और प्लान चल रहा था, लेकिन फिर हमने उसे जो है ड्रॉप कर दिया। तो चलिए अभी मैं पास में जाके आपको इसको दिखा देती हूँ। तो यहाँ पर हमने नीचे की तरफ बनाए हुए हैं कबर्ड्स और इसे टॉप के ऊपर हमने यूज़ किया है कॉर्ड्स। ये ग्रे कलर का कॉर्ड्स है, ये सेम स्टोन है जो हमने अपने किचन में यूज़ किया है, उसी थीम को फॉलो करते हुए हमने यहाँ पर इसे जो है कंटिन्यू किया है। इसके ऊपर हमने लगाया है टेबल टॉप वॉश बेसिन जो कि बहुत बड़ा है काफ़ी, और ये पेरीवेयर का है और ये जो टैप है ये भी पेरीवेयर का ही है। साथ ही में हमने यहाँ पर ये जो टाइल्स लगाई हुई हैं यहाँ पर इसके बैक स्प्लैश में काफ़ी अच्छी है, और ये जो टाइल्स है ये हमारे इंटीरियर्स के साथ बहुत अच्छे से जो है वो मैच हो गई है। यहाँ पर रखा है एक हैंड वॉश और ये है हमारा एक फाउंटेन। वीडियो बनाते हुए ना आवाज़ बहुत आ रही थी इसकी तो मैंने इसे बंद कर दिया था, लेकिन ये बहुत ही ब्यूटीफुल सा है देखिए। तो ज़्यादा और कुछ नहीं रखा है मैंने, और यहाँ पर साइड में टॉल हैंगर बन लगाया है टॉवल रखने के लिए, और यहाँ पर हमें मिल जाते हैं हमारे स्विच कंट्रोल्स। उसके अलावा इस एरिया की जो सबसे ब्यूटीफुल और अच्छी चीज़ मुझे लगती है वो लगती है ये मिरर। ये मिरर मुझे बहुत ही ज़्यादा पसंद है। हाय, तो ये जो मिरर है इसे मैं थोड़ा जूम आउट करती हूँ। राइट, तो ये जो मिरर है ये एग्जैक्ट जो साइज़ है हमारा वॉल का उसके बराबर बिल्कुल ये आया है, और ये हमने लिया था आइकिया से। बहुत ही अच्छा मिरर है और इसकी जो लंबाई है वो भी काफ़ी ज़्यादा है, करीबन 2.5 फीट के करीब है। और इतना बड़ा मिरर लगाने से ना क्या होता है, एक इल्यूजन क्रिएट होता है और जो हमारा एरिया है ना वो थोड़ा बड़ा बड़ा लगता है, तो इसीलिए हमने हमारा यहाँ पर जो है ये ऐसा कुछ मिरर लगाया है। तो इस मिरर के ऊपर हमने यहाँ पर लगाई है ये लाइट्स। तो ये लाइट्स जो है इसके कलर्स चेंज होते हैं, अराउंड 3 कलर्स है इसमें, जैसे कि ये वार्म है, ये कूल वार्म है और ये कूल कलर है। तो ये 3 कलर इसमें आते हैं, हमारे मूड के हिसाब से जैसा चाहिए वैसा हम इसे जब वो सेट कर सकते हैं। तो इसके नीचे हमने यहाँ पर बनवाए हैं 3 कबर्ड्स, नॉर्मल ओपनेबल कबर्ड्स है, ज़्यादा कुछ नहीं है। मैं दिखा देती हूँ आपको इसमें क्या क्या रखा है। तो ये है हमारा फर्स्ट वाला कबर्ड और इसके अंदर हमने रखी है हमारी कैंडल्स हैं, अरोमा डिफ्यूज़र्स हैं और कुछ लाइट्स पड़ी हुई हैं, एक ऑल आउट पड़ी हुई है। तो इसी तरह से बस ये रैंडम सा सामान पड़ा हुआ है क्योंकि इसके अंदर मैंने बहुत सारी सेंटेड कैंडल्स रख रखी हैं ये वाले बॉक्स के अंदर। तो अरोमा डिफ्यूज़र भी है तो बहुत अच्छी जो खुशबू ना आ रही है। तो चलिए अब इस सेकेंड वाला देख लेते हैं। तो ये सेंटर में बनाया हुआ है सेकेंड वाला, और इसके अंदर मेरे पूरे गार्डन की जो सप्लाईज है वो पड़ी हुई है। एक्चुअली ये साइड में हमारी बालकनी है जिसमें मैंने अपने पूरे प्लांट्स रखे हुए हैं, तो उनसे रिलेटेड जितना भी सामान है पूरा सारा इसमें रखा हुआ है। ये देखिए, ये कुछ एक्स्ट्रा प्लांटर्स पड़े हुए हैं और ये स्प्रे बॉटल है, पानी डालने के लिए जग है, इसके अलावा खाद रखी हुई है पीछे, और थोड़ा सा और पेंट वगैरह का सामान भी थोड़ा बहुत पड़ा हुआ है क्योंकि जब हमने घर बनाया था तो काफ़ी सामान बच गया था। ये चीज़ें मैंने थोड़ी बाहर ही रखी हैं, हैंडी रहती हैं, तो अभी ज़रूरत है तो फटाफट से निकाल के यूज़ कर लो इसीलिए। तो ये जो है हमारा सेकेंड वाला कबर्ड, ये कुछ इस तरह से है। तो जितने भी हमने हमारे घर में हिंजेस लगाए ना सारे सॉफ्ट क्लोज लगाए हैं, तो ये बहुत अच्छा रहता है। तो चलिए थर्ड वाला देख लेते हैं खोल के। ओके, सो ये है हमारा थर्ड वाला कबर्ड। यहाँ पर हमने ना एक ये लगवाई है चेन, क्योंकि ये ना बाहर में यहाँ पर टच हो रहा था, तो इसके लिए सारे ये कॉर्नर में हमने इसे ऐसे लगा लिया। तो इसके अंदर यहाँ पर मेरी कुछ क्लीनिंग की सप्लाईज पड़ी हुई हैं, कॉलिन है एक जो मैंने घर में खुद से एक क्लीनर बनाया वो रखा हुआ है स्प्रे बॉटल के अंदर। यहाँ पर हेलमेट है, यहाँ पे क्लीनिंग क्लॉथ्स हैं, कुछ ब्रशेज रखे हैं क्योंकि स्लाइडिंग है
तो उसे क्लीन ब्रश से करना पड़ता है। यहाँ पर ये गुड नाइट की मॉस्किटो वाली जो अगरबत्तियाँ वो पड़ी हैं, और ये बॉक्स में कुछ विक्रम ने अपने टूल्स वगैरह सब रख रखे हैं। और यहाँ पर जो है हमारे वॉश बेसिन का जो पानी का और इनलेट और आउटलेट का कनेक्शन जो है वो यहाँ से है। तो ये देखिए, ये कुछ हमने इस तरह से अरेंज किया है ताकि हम अपने वॉश बेसिन को जो सेंटर में रख सकें। तो चलिए इसे बंद कर देते हैं। ओके, तो इनके अंदर मैं प्लान कर रही हूँ ये वाले कबर्ड के अंदर एक ग्लास का सेल्फ लगाने के लिए, ताकि सामान थोड़ा जो है वर्टिकली नहीं रखना पड़े, अच्छे से अरेंज हो जाए। बाकी ये जो हमने कैबिनेट्स बनाए हैं, ये जो है हमारे फ्लोटिंग कैबिनेट्स हैं, नीचे से पूरा हमें ओपन रखा है। तो इससे क्या होता है ना कि अगर वॉल को नीचे फ्लोर को टच हो रहे हैं हमारे कैबिनेट्स, तो थोड़ा ना भरा भरा सा ज़्यादा लगता है। फ्लोटिंग रखने से थोड़ा विजुअली देखने में जो है घर थोड़ा बड़ा लगता है। एग्जांपल देखते हैं, देखिए जैसे ये है ना, ये थोड़ा अच्छा खुला में दिख रहा है, और यहाँ पर ये पूरा वॉल नीचे फ्लोर से टच हो रहा है, तो ये थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है। तो इसीलिए हमने जो है इसे कुछ इस तरह से बनवाया है। सो, बस ये था जी आज का हमारा छोटा सा वॉश बेसिन एरिया का टूर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।